तो मेरे दोस्त, एक मैंने कुछ देर पहले जेट किंग पे वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में बताया था कि जेट किंग कैसा इंस्टीट्यूट है, आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए, उसकी फीस क्या होती है। मतलब मैंने उसमें कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके बारे में। बट दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को वापस से देखोगे, उस वीडियो में मैंने कहीं भी नहीं बताया है कि नहीं आपको जेट किंग ज्वाइन करना ही चाहिए। लोग उसमें बोल रहे थे नहीं वो आपने पेड प्रमोशन किया है, आपने जेट किंग से पैसा लिया है। तो मेरे दोस्त, ऐसा उसमें बिल्कुल भी नहीं था। मैंने ये बताया था आपको कि जेट किंग अराउंड आपसे 60,000 70,000 रुपये फीस ले लेता है, उसके बाद आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग का एक डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट देता है, और वहीं पे आप दूसरी जगह 20,000 में भी आप हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर सकते हो, या 10,000 में भी आप कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अगर मेरे के थ्रू आप ज्वाइन करते हो तो हो सकता है आप 3-4 हज़ार में भी कर सकते हो। तो अलग अलग ये वैरी करता है, मतलब कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन होता क्या दोस्तों, अभी जैसे देखो आप जेट किंग में करते हो 60 से 70 हज़ार, जो कि मैं मानता हूँ बहुत बहुत कॉस्टली फीस है वहाँ की, लेकिन उसका सिर्फ एक प्लस पॉइंट भी है ना मेरे दोस्त, कि आपको जेट किंग का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि एक वैलिड होता है। इसका कोई रीजन है, जिसकी कोई वैलिडिटी है, इस वजह से वो हाई कॉस्ट है। दूसरी जगह से आप 10,000 में कर रहे हो, 12,000 में कर रहे हो, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन वो इतना वैलिड नहीं होगा। आप मेरे से कर रहे हो 3-4 हज़ार में, मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगा, आपको इंटरव्यू क्रैक कराने में हेल्प करूंगा, मतलब इन द लास्ट आपको जॉब भी दिलाऊंगा। तो अभी मैंने एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया अपना ट्रेनिंग सेंटर, मैं करने वाला हूँ, लेकिन एक मैं जस्ट नॉर्मल वे से बता रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि इनका जो वैलिड सर्टिफिकेट होता है, वो उतना ज़्यादा किसी कंपनीज के लिए वैलिड नहीं होता है, लेकिन इन द लास्ट क्या होता है कि अपने को तो जॉब चाहिए। और अगर आपके पास डिग्री होती है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, या बीटेक किया है, या कोई कोई ऐसा ग्रेजुएशन कोर्स किया है आईटी से रिलेटेड, चाहे वो बीसीए हो, एमसीए हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है इन द लास्ट आपको जॉब चाहिए होता है, क्योंकि आपने बीटेक कर लिया है, या फिर 60 से 70 हज़ार पॉलीटेक्निक करोगे, या फिर आप जेट किंग में जाते हो 60 70 हज़ार रुपये फीस देके, एक डिप्लोमा की वो वैलिड है। तो मैं नहीं मानता कि वो आपका पैसा है जो सही जगह है वो इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपका पैसा लॉस में ही जा रहा है। तो आप कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जहाँ से 10 12 हज़ार रुपये में हो जाए, 2 4 5 हज़ार रुपये में हो जाए, ताकि आपको जॉब मिल सके, आपको 1 2 साल का एक्सपीरियंस हो सके, उसके बाद आपका फ्यूचर एक अच्छे ट्रैक पे जा सके। तो बहुत जल्दी कमिंग डेज में मैं यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ हार्डवेयर नेटवर्किंग, बट मैं यहाँ डेट कमेंटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसमें अराउंड 2 से 3 महीने लगने वाले हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। अभी मैं उसका बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, उसकी पीडीएफ बना रहा हूँ, उसके वीडियोस फॉर्मेट बना रहा हूँ, मुझे वो कोर्स एक्चुअली उडेमी पे डालना है। तो आप चाहो तो कोर्स वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, और मैं पीडीएफ वगैरह जब सारा कुछ रेडी हो जाएगा तो वो कोर्स यहाँ पे भी आने वाला, और मैं ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन करने वाला हूँ। तो मिलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे करते हैं। बाकी तब तक के लिए, अगर आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए और मेरा रिज्यूमे फॉर्मेट चाहिए, तो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और वो इंटरव्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 90-95% आपको इंटरव्यू के टाइम पे मिल जाएंगे, सिर्फ वैसे ही पूछे जाएंगे। और सीवी में क्या क्या पॉइंट मेंशन करते हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए, वो भी सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे ही चेकआउट करोगे तो काफ़ी अच्छा है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।